नवरात्रि शुरू हो रही है और ऐसे में बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि आखिर नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो आपको हम बता दें कि हिंदू धर्म में हर एक त्यौहार मनाने के पीछे उसका पौराणिक महत्व होता है। इसी प्रकार से नवरात्रि को लेकर भी कुछ पौराणिक कथाएं कई वर्षों से चली आ रही हैं। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि नवरात्रि से जुड़ी कौन सी प्रचलित कथाएँ हैं। नवरात्रि से जुड़ी पहली कथा माता दुर्गा और महिषासुर की है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में माता दुर्गा और महिषासुर की कहानी का उल्लेख मिलता है। इस कहानी से हमें शक्ति और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश भी मिलता है। इस कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा था। महिषासुर ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। देवताओं ने उसके अत्याचारों से मुक्ति के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से प्रार्थना की। इसके बाद तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति से मिलकर देवी दुर्गा को प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने माता दुर्गा को अपने श्रेष्ठ अस्त्र भी दिए। इसके बाद महिषासुर और देवी माता दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध चला। महिषासुर ने कई रूप बदले, लेकिन देवी माता ने महिषासुर के सभी रूपों को हरा दिया। युद्ध के अंत में माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि देवी माता दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया। विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति कर उन्हें महिषासुर मर्दिनी नाम दिया। आज भी नवरात्रि के 9वें दिन में माँ शक्ति की पूजा की जाती है। नवरात्रि की दूसरी कथा रामायण काल से भी जुड़ी हुई है। रामायण में बताई गई कथा के अनुसार भगवान श्री राम जी ने लंका में रावण के खिलाफ युद्ध में जाने से पहले 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की थी। माँ दुर्गा भगवान राम के बलिदान से प्रसन्न हुई और उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने रावण को युद्ध में हराया, इसलिए नवरात्रि के बाद 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राम जी ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की थी और तभी से नवरात्रि का उत्सव शुरू हुआ। तो इस प्रकार से नवरात्रि और विजयदशमी मनाने के पीछे ये कथाएं हैं। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।